आप देख रहे हैं TNB। हरियाणवी डांसर से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली सपना चौधरी की हर अदा उनके फैंस के दिलों को छू जाती है। लेकिन अब सपना ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके कारण दिलों पर राज करने वाली देसी क्वीन के खिलाफ अब अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। जी हाँ, बता दें कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि शांतनु त्यागी ने लखनऊ के एक मामले में सपना के खिलाफ ये वारंट जारी किया है जिसकी सुनवाई 22 नवंबर को होगी। दरअसल लखनऊ कोर्ट में डांसर और सिंगर सपना चौधरी की एक शिकायत पर ये एक्शन हुआ है। इस मामले की अगली सुनवाई तक पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा गया है। खबर है कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने इस वारंट को जारी करते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। इसके साथ ही बता दें कि सपना ने भी आवेदन दिया था। आपको बता दें कि सपना चौधरी को गिरफ्तार करके पुलिस उन्हें कोर्ट के सामने पेश करेगी। होने वाली सुनवाई में ही कोर्ट को सपना के खिलाफ सारे आरोप तय करने हैं, इसी वजह से उनका कोर्ट में मौजूद रहना बेहद जरूरी है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में FIR होने के बाद खुद सपना चौधरी ने शिकायत को खारिज करने की अर्जी भी दी थी। इसे अर्जी के बाद खारिज भी कर दिया गया था, लेकिन अब ये मामला फिर से खोला गया है। आइए जानते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि ये मामला 3 साल पुराना है। साल 2018 में सपना चौधरी के खिलाफ 14 अक्टूबर को आशियाना पुलिस स्टेशन में ये शिकायत की गई थी। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 13 अक्टूबर को लखनऊ के स्मृति उपवन में दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक का शो ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन इस शो में वो पहुंची ही नहीं। सपना चौधरी के अलावा इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर जुनैद अहमद, नवीन शर्मा, इवाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय जैसे नाम भी शामिल हैं। अभी आरोप ये है कि इस प्रोग्राम के लिए दर्शकों ने 300 रुपए में टिकट लेकर खरीदा था। सपना चौधरी को इस शो को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन जब 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आई तो दर्शकों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया, लेकिन हंगामे के बाद भी लोगों को उनके पैसे वापस नहीं मिले। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।